आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के लाडवा में, जहां पर फल उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। ये फल उत्सव 3 दिन तक चलेगा, जिसमें पहले दिन हम आपको जानकारी दे दें कि जो आज का दिन है 10 जुलाई 2021 का, आज आम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कल को नाशपति फल है उसका जो दिवस रखा गया है। उसके बाद जो अगला तीसरा दिन होगा वो होगा अमरूद दिवस। तो जो आज के कार्यक्रम है तो लिए चलते हैं हम आपको, जो फल उत्सव है इसकी जो झलके हैं हम आपको दिखाते हैं। जो फल उत्सव है इसमें आज का आकर्षण का जो केंद्र है वो आज है आम। आम की लगभग 200 से 250 वैरायटियां यहाँ पर आई हुई हैं। लिए चलते हैं आपको फल उत्सव में, तो चलिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के 3 दिवसीय फल उत्सव में पहुंचे ज्यादा से ज्यादा भला हो सकता है। किसान को क्या प्रॉब्लम है जो उनको उठाई जाए आगे सरकार के सामने, उनके लिए नई स्कीम क्या क्या लाई जा सकती है। आशा है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और मैं महानिदेशक महोदय को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको शुभ संदेश दें। डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी। धन्यवाद डॉक्टर बिल्लू यादव। जैसा कि डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि ये 3 दिन का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को आप जरा मेले की तरह से ही है, वो एग्री बिजनेस है। जितना भी आप खेती के साथ व्यापार कर पाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ खेती करेंगे तो उसमें उम्मीद ये है कि आपकी जो इनकम है वो स्टैग्नेंट रहेगी, बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। तो बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा ये 3 दिवसीय फल उत्सव मनाया जा रहा है। ये 10, 11, 12, 3 दिन चलता रहेगा और ये जो 3 दिन हमारा अलग अलग क्रॉप के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। जो पहला दिन है हमारा आम, लीची और इस पे चिक्कू पे रहेगा। जो दूसरा दिन है आड़ू, आलू बुखारा और नाशपाती पे रहेगा। तीसरा दिन जो हमारा अमरूद और अनार के ऊपर रहेगा। तो इन क्रॉप्स का हम प्रत्येक दिन जो किसान भाई हैं उनको वेबिनार के थ्रू उनकी तकनीकी जानकारी देंगे। हाँ, आके लाइव डेमोस्ट्रेशन भी यहाँ हमने रखा है। जो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ डेमोस्ट्रेट किया गया है उनको विस्तार पूर्वक से किसानों को समझाया जा रहा है। अलग अलग तरह की किस्में हमने प्रदर्शित की गई हैं, अलग अलग तरह का हमने जो प्लांट्स हैं वो भी अवेलेबल है किसानों के लिए सेल। तो वो चीज़ें यहाँ आके किसान उन तकनीकों को सीख के अपने खेत पर अपना सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को हमने एक तो तकनीकी रूप से रखा गया है, दूसरा हमारा इस प्रोग्राम में कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम उस्मान है, मैं यहाँ पे मैंगो मेले में इनवाइट किया गया हूँ। आम किसान हूँ यूपी से। तो मेरे पास 153 वैरायटी हैं आम की। यहाँ पर आम लगाए हैं मैंने डिस्प्ले में। बहुत ख़ास वैरायटीज़ हैं जिसमें लोग बहुत खुश हो रहे हैं देखकर मेरे आमों को और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आम मेरे, और पूछ रहे हैं कि कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार देती है और जागरूक हो रहे हैं बागवानी की ओर मेरे आमों को देखकर। यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा हो रहा है, बागवानी होनी चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए। बागात से हमें जो है फल फ्रूट मिलता है और हमारी आमदनी बहुत अच्छी होती है, बानिस्बत बहुत अच्छी इसमें हमारी इनकम है और इससे हमें फल फ्रूट ऑक्सीजन मिलता है। इससे इसलिए हमें बागवानी की ओर जागरूक होना चाहिए।